दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबीटेक में। आज है 15 अप्रैल 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आज के समाचार पत्रों में अपडेट है लोक सेवा आयोग से कि चुनाव के बाद भर्तियों की भरमार, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा बनने की चुनौती। तो बताया गया कि लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बड़ी संख्या में भर्तियां करने जा रहा है। आयोग को जून से दिसंबर के बीच करीब 1.5 दर्जन परीक्षाओं का आयोजन कराना है। आरओ प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक की घटना के बाद आयोग के लिए आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती होगी। UPSC के वर्ष 2024 के कैलेंडर में जून से दिसंबर तक 9 परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। इससे पूर्व 11 फरवरी को ही समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 पेपर लीक में शासन स्तर से निरस्त की जा चुकी है, जिसे दोबारा आयोजित किया जाना है, लेकिन आयोग ने पुनर्परीक्षा की तारीखें अभी तक जारी नहीं की हैं। वहीं आरओ पेपर लीक की घटना के बाद आयोग ने 17 मार्च को प्रस्तावित PCS प्रारंभिक परीक्षा, 22 मार्च को प्रस्तावित स्टाफ नर्स यूनानी आयुर्वेदिक परीक्षा, 7 अप्रैल को प्रस्तावित सहायक नगर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा, 9 अप्रैल को प्रस्तावित अपर निजी सचिव शॉर्ट हैंड टाइपिंग परीक्षा और 24 अप्रैल को प्रस्तावित स्टाफ नर्स एलोपैथ की परीक्षा को जो है स्थगित कर दिया है। तो ये भी परीक्षाएं आपकी चुनाव के बाद ही करवाई जाएंगी। तो 9 परीक्षाएँ आई थिंक पहले से लगी हुई हैं और ये करीब 7-8 परीक्षाएं ये हो गई, तो करीब 1.5 दर्जन परीक्षाएं जो है बताया जा रहा है कि जून से दिसंबर के बीच कराई जाएंगी। ऐसे में जो है प्रश्न पत्रों की सुरक्षा एक बार फिर से एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क रहेगा लोक सेवा आयोग के लिए। अब देखना है किस तरीके से लोक सेवा आयोग इसमें मैनेज करता है और क्या क्या परिवर्तन किए जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए एक अपडेट और है कि विशेषज्ञ चिकित्सक के 2532 पदों पर होगी भर्ती, आवेदन प्रक्रिया पूरी। लोक सेवा आयोग ने UPSC की 24 विधाओं में चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 के 2532 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। 12 अप्रैल तक फीस जमा कर चुके अभ्यर्थी 16 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे, 23 अप्रैल तक आवेदन में सुधार कर पाएंगे और 30 अप्रैल तक आवेदन की हार्ड कॉपी लोक सेवा आयोग में जमा करनी होगी। आवेदन की औपचारिकताओं के बाद आरक्षित तिथियों में परीक्षा इसकी करवाई जाएगी। तो यहाँ पर देखिए पदों की संख्या के बारे में बताया गया कि किस विभाग में कितने कितने पद हैं, तो फिलहाल इसके लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है। वहीं पर आप लोग जानते हैं कि BJP की तरफ से कल अपना घोषणा पत्र उन्होंने मोदी की गारंटी के नाम से जारी किया। तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं वरिष्ठ BJP जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो आपके सामने हैं। फिलहाल आज की हेडलाइन देख लीजिए कि फ्री राशन मिलता रहेगा, 3 करोड़ और घर देंगे। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया है और हेडलाइन आपके सामने है। हालांकि इसका डिटेल्ड वीडियो में कल बनाया था, लेकिन फिर भी जो आज के समाचार पत्रों में हेडलाइन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हेडलाइन क्या है। वहीं पर देखिए एक हेडलाइन आपके सामने ये है कि संकल्प पत्र सबके विकास का प्रतीक, ये मोदी जी ने कही ये बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर मंत्रालय ने पहले 100 दिन का एजेंडा कर रखा है तैयार, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। तो ये एजेंडा इनका है, मतलब ये कहना है कि संकल्प पत्र जो है सबके विकास का प्रतीक है। वहीं पर यहाँ पर आप देखिए भाजपा का बड़ा मिशन 2047 तक 24 घंटे 7 दिन काम होगा। तो अब कोई भी BJP का जो कार्यकर्ता है वो आराम नहीं करेगा, 24/7 काम होगा 2047 तक। ठीक है, 2047 आप लोग समझ रहे हैं एक लंबा वक्त है, लेकिन फिर भी अब जो है BJP मन लगा कर काम करेगी। अभी तक 24 घंटे काम नहीं करती थी, अब थोड़ा बहुत आराम भी कर लेती थी, अब जो है 24 घंटे 7 दिन काम होगा। वहीं पर अमर उजाला की तरफ से आप ये हेडिंग देखिए कि भाजपा का वादा, समान नागरिक संहिता, एक देश एक चुनाव, 70 साल के बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड। घोषणा पत्र में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने समेत मोदी की 24 गारंटी दी गई हैं।
घर घर तक गैस पाइपलाइन पहुंचाई जाएगी, सस्ती गैस पहुंचाई जाएगी, गरीबों को 5 साल और राशन दिया जाएगा, 3 करोड़ घर दिए जाएंगे, पेपर लीक कानून को रोका जाएगा। जब पेपर ही की कोई बात नहीं की गई, भर्ती परीक्षाओं की कोई बात नहीं की गई, भर्तियों की बात नहीं की गई है, तो पेपर लीक कानून का क्या मतलब है बताओ। हालांकि बीजेपी का कहना है कि हमने 4 जातियों पर फोकस किया, जातियों का मतलब समझिए। यहाँ पर देखिए लिखा है पीएम मोदी गरीब महिला युवा और किसान, ये 4 जाति बताइए और इन्हीं 4 जातियों को ये संकल्प पत्र जो है फोकस है। हालांकि युवाओं को क्या मिला है, क्या चीज़ें कही गई हैं मुझे समझ से परे है। आप घोषणा पत्र पढ़े होंगे तो आप देखिएगा कि जरा युवाओं के लिए इसमें कितनी नौकरियों की बात की गई, बेरोजगारी पर कितनी बात की गई है, किसानों के लिए कितनी बात की गई, इस पर भी आप फोकस करिएगा। वहीं पर कांग्रेस ने इसमें हमला किया है कि भाजपा के घोषणा पत्र में महंगाई और बेरोजगारी का जिक्र तक नहीं है। तो जिन युवाओं की ये बात कर रहे हैं उसमें बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन बेरोजगारी को लेकर के घोषणा पत्र में कुछ भी नहीं है, नौकरियों के बारे में घोषणा पत्र में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर है। और यहाँ पर अलग अलग जो विपक्षी पार्टी है उनका कहना क्या है, देखिए आपका कहना ये पूरा जो घोषणा पत्र जुमलों का दस्तावेज है। राजद का कहना है किसानों की अनदेखी की गई, जबकि भाजपा का कहना है कि किसानों के हमने लिए घोषणा पत्र जारी किया है, जबकि राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा के घोषणा पत्र में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। वहीं पर सपा का कहना है कि झूठ विश्व का जो है विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। इसके जरिए कांग्रेस ने सीधा हमला कहा है कि भाजपा के घोषणा पत्र में 2 चीज़ें 2 वर्ड ही नहीं, पहला महंगाई और दूसरा बेरोजगारी। यहाँ पर देखिए अगली अपडेट है कि राज्य विश्वविद्यालय की वार्षिक और सामान्य सेमेस्टर परीक्षाएं आज से। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय और संगठक महाविद्यालयों की 2023-24 की परीक्षाएं 15 अप्रैल से प्रारंभ हो रही हैं। प्रयागराज मंडल के 219 केंद्रों पर आयोजित की जा रही परीक्षाएं जो है इसके लिए 4,39,651 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। तो ये फिलहाल परीक्षाएं आज से प्रारंभ हो रहे हैं, सभी परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं, आप लोग अपना विद्यालय से संपर्क करके जो है इनको ले सकते हैं और परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें यहाँ पर कि अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण में बहुत सारे कॉलेजों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन 13 अप्रैल देर रात तक सभी विद्यालयों ने पार्टिसिपेट कर दिया है, डाटा अपलोड कर दिया है, इस वजह से सभी बच्चों का जो प्रवेश पत्र है वो जारी किया गया है। एक आपके लिए अपडेट यहाँ पर है कि बैंकिंग धोखाधड़ी रोकने को KYC प्रक्रिया सख्त होगी। वित्त मंत्रालयों ने बैंकों और वित्त संस्थानों से अतिरिक्त कदम उठाने के लिए कहा है। तो डिजिटल दुनिया के इस दौर में बैंकिंग धोखाधड़ी और ठगी के मामलों में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। इसके शिकार शहर से लेकर गांव तक के लोग बन रहे हैं। इसके मद्देनज़र वित्त मंत्रालय ने बैंकों को KYC प्रक्रिया की जो है और सख्त बनाने का निर्देश दिया है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।